चलिए एक और मौसम से जुड़ी खबर को बात करते हैं। प्रदेश में एक बार फिर मौसम में आया बदलाव। भोपाल और ग्वालियर में सुबह चली ठंडी हवाएं, जबलपुर में हुई बारिश, सर्दी जुकाम के बढ़ेंगे मरीज। प्रदेश में एक बार फिर मौसम में आया बदलाव। भोपाल ग्वालियर में सुबह चली ठंडी हवाएं, जबलपुर में हुई बारिश, सर्दी जुकाम के मरीज बढ़ सकते हैं मौसम के बदलाव के कारण। भोपाल और ग्वालियर में सुबह चली ठंडी हवाएं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अमित पटेलिया जुड़े हुए हैं। अमित, मौसम में एक बार फिर बदलाव आया है, क्या कुछ जानकारी? जिगित जी, मैं आपको बता दूं कि बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बना है, इससे नमी आने की वजह से प्रदेश के कुछ इलाकों में, खासकर जबलपुर संभाग में, कहीं कहीं हल्की बारिश हुई है। ग्वालियर, भोपाल और सागर में न्यूनतम तापमान नीचे आया है, वहीं इंदौर और जबलपुर में पारा चढ़ा है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि मौसम अचानक बदलने से लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव देखने को मिल सकता है, सर्दी जुकाम के मरीज बढ़ सकते हैं। ये स्थिति 2 मार्च तक रहेगी, यानी कि शिवरात्रि के बाद तक यही स्थिति रहेगी। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान पचमढ़ी, जबलपुर, सतना, उमरिया और मंडला जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। आज से मौसम साफ हो जाएगा। अभी बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही थी, जिसके कारण पश्चिमी मध्य प्रदेश यानी जबलपुर और बघेलखंड में इसका असर रहा। जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो आपको बता रहे हैं, प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव आया है। ग्वालियर और भोपाल में सुबह ठंडी हवाएं चली, जैसे अमित ने बताया कि जबलपुर संभाग के कुछ इलाकों में बारिश हुई है, और साथ ही जो है तापमान इंदौर संभाग का बढ़ा हुआ है। लेकिन इस बदलाव के कारण मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि सर्दी जुकाम के मरीज ज्यादा बढ़ेंगे। चलिए खबर का